कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। रफ़ी के जायके में आप सभी को खुशामदीद। आज हम बनाने वाले हैं मुर्ग मलाई टिक्का। तो मुर्ग मलाई टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए, और कुछ लोगों की फरमाइश भी है कि मुर्ग मलाई कबाब रेगुलर आइटम जो है वो हमें बताया जाए। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए बताएंगे कि मुर्ग मलाई टिक्का के लिए तो सबसे पहले हमें चिकन चाहिए, जो हम अक्सर आपको बोलते हैं कि हमने मैरिनेशन कर लिया है, तो आज इसको हमने मैरिनेशन नहीं किया है। मैरिनेशन अगर आप कर लेते हैं मुर्ग मलाई का, तो भी उसको बाद में धो डालें, क्योंकि उसके अंदर राई का तेल डाल के मैरिनेशन किया जाता है। तो राई का तेल मुर्ग मलाई के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुर्ग मलाई खास करके इसलिए बनाया जाता है, जैसे कि मलाई है, रेशमी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होटल लाइन के अंदर कुछ बच्चों के लिए बनाई जाती है। फैमिली आती है, उनके साथ बच्चे आते हैं, तो वो स्पाइसेस नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए खास करके मलाई चिकन बनाया जाता है, ताकि वो भी शौक से बैठ के टेबल पे खा सकें। तो उसके लिए हम मैरिनेशन नहीं किया है। और ये हमारा चिकन है, हमने ये 8 पीस ले लिया है, और ये हमारा दही है। तो ये दही मसाला हम बनाएंगे, उससे पहले हम आपको पूरा इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। जैसे कि हमने चीज़ लिया है, अदरक लहसुन पेस्ट है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट में से थोड़ा सा खाली हम पानी यूज़ करेंगे, बाकी कुछ नहीं। और हरी मिर्ची भी नहीं डालेंगे, हम वाइट पेपर यूज़ करेंगे। और ये चीज़ हमारा जो है, इसको हम पहले मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय आपको है कि इस तरह आप टेबल पे डाल दें, और टेबल पे डालने के बाद में इसको मसल दें। ये एकदम नाइस होना चाहिए, इसको खूब बारीक कर लें। बारीक होने के बाद में इसमें क्रीम डाल डाल के आप इसको मेल्ट करें। तो इस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो इस तरह आपको क्रीम डाल डाल के इसको फेंटना है। बस ये याद रखना है कि आपका जो जहाँ पे आप कर रहे हैं वो जगह आपकी साफ़ होनी चाहिए, आपके साफ़ सुथरे हाथ होने चाहिए। बाकी हाथ से मिलाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई हंसी है। तो इस तरह के आप मिला सकते हैं इसको खूब मेल्ट करने के लिए। ये एकदम मावे की तरह आपका होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी उसके अंदर डालें मलाई के अंदर, तो एकदम क्रीमी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस खाली दही डाल दिया और मसाले डाल दिया, बस वो रेडी हो गया। कबाब के अंदर एकदम चिपचिपी दिखनी चाहिए, शाइनिंग, और चिपका हुआ रहना चाहिए। जब आप खाएं एक पीस, तो आपको लगे कि मैंने कोई चीज़ खाया है। अच्छा, और एक चीज़ कि मेरे पास मावा रेडी नहीं है, तो मावा अभी आज तो हम नहीं डालेंगे, लेकिन मावा आपको डालना चाहिए, क्योंकि मावा की जो मिठास है वो अलग ही है। लेकिन हम आपको बताएंगे पूरी तरह से बढ़िया एकदम रेसिपी इंशाल्लाह। तो ये हमने डाल दिया है, जो हमने आपको बताया था कि क्रीम हम ऐड करके उसको मेल्ट करेंगे चीज़ को, तो वो हमने दही के अंदर डाल दिया है। और ये विश है हमारा, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं। आपका मलाई जो है एकदम पूरी तरह से वाइट होनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरा वाइट पेपर है, वाइट पेपर हमने डाल दिया। और हाँ, ये है हमारा थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमें ज़्यादा पेस्ट इसके अंदर यूज़ नहीं करना है। काजू, काजू ज़रूर डालें, थोड़ा वाइट सॉल्ट, ये थोड़ा सा हमने शक्कर डाल दिया, ये रिफाइन, आपको इसमें रिफाइन ही यूज़ करना है। अब इसे हम मिक्स करते हैं। तो थोड़ा सा क्रीम हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि ये वाइट दिखे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा मसाला बनके रेडी हो गया है वाइट, और देख लीजिए इसमें कोई कलर नहीं दिख रहा है, और मैला भी नहीं दिख रहा है, बढ़िया प्यारा कलर दिख रहा है। तो अब हमारे चिकन के अंदर हम डालते हैं मसाला। ये रहा हमारा, और मसाला थिकनेस भी बहुत बढ़िया है, मसाला आपका जो भी है दिखेगा कि हाँ मैंने कोई चीज़ लगाया है। थोड़ा सा इसके अंदर हम क्रीम और भी ऐड करेंगे, ताकि ये अपना वाइटपन ना खो दे। तो थोड़ा सा क्रीम हम और ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा मेंटेन रखे वाइटपन। बस होएगा नहीं। तो दोस्तों देख लीजिए, ये मलाई कबाब मैंने लगाया है, और किस तरह लगाया है देख लीजिए, एकदम बढ़िया से। लगाने में भी किफ़ायत होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि एकदम जॉइंट है, लेकिन जॉइंट कहीं भी नहीं है। जैसे जैसे ये पकेगा, बीच में स्पेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और मलाई कबाब में भरपूर मसाला आपका होना चाहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ। और मसाला आपको धोया धोया चिकन रहेगा, धोया धोया आपका मसाला रहेगा, तो उसमें खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब ये जिसको भी आप खिलाओगे, वो बोलेगा यार क्या मलाई कबाब खाया था मैंने।
तो इसको डालता हूँ, ये बोनलेस चीज़ है, इसमें तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 12 मिनट लग जाएगा। तो ये रहा मेरा मलाई कबाब, इंशाल्लाह आप एक बार बनाइए और हमारी रेसिपी चेक करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और लोगों की कुछ फरमाइशें भी होती हैं कि रेगुलर आइटम बताया जाए, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टफिंग में बनाने में, तो इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी हम बताते रहेंगे आपको। वैसे मेरे पास स्टफिंग कबाब बहुत ज़्यादा हैं और फ्राई भी होता है, लेकिन हमारा काम इतना होता है कि हम सब कुछ बना के नहीं दिखा सकते, इसलिए हम खास करके ज़्यादातर तंदूर का दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे और भी हम रेसिपी बताएंगे, लेकिन थोड़ा फुर्सत में होंगे तो इंशाल्लाह करेंगे हम, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को आप नए हैं, नए हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बैल आइकन ज़रूर दबाइए, और दूसरी चीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो भी हैं उनको बताइए, हमारा चैनल एक बार देखें, इंशाल्लाह आपको अलग अलग रेसिपी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरा रेडी हो गया है मलाई कबाब, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर है। बस इसी तरह आपको मलाई कबाब बनाना, देखो जला भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो नीचे का काला होगा ही है, बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो इसको आगे पहले साफ़ करें, कभी भी कबाब को इस तरह आप थोड़ा सा रोक दें, अगर पानी है तो वो निकल जाएगा। तो थोड़ा सा बस क्रीम डाल देते हैं, क्योंकि मलाई के अंदर तो यार क्रीम ही जान होती है, तो ज़रा और भी मज़ा आ जाएगा खाने वाले को। तो ये मेरा क्रीम डाल के कंप्लीट हो गया है, और मेरा कबाब भी रेडी है, आप देख सकते हैं इसका कलर। तो दोस्तों ये मेरा मलाई कबाब बन के रेडी हो गया है, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, नए देख रहे हैं, तो हमारे लाइक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करिए, और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारा जज्बा बढ़ाता है, और इंशाल्लाह हम इसी तरह नई नई रेसिपी लाते रहेंगे आपके लिए। और हमारा काम कैसा लगता है आपको बताइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखिए, अगर कोई कुछ हमसे जानना चाहते हैं, कुछ अगर हमसे कोई रेसिपी पूछना चाहते हैं, या अगली रेसिपी हम कौन सी बनाएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, नए मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।